हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन लूथरा। इस चैनल में हम सेबी ग्रेडर पेपर टू के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम काफ़ी एएस पढ़ रहे थे, अभी हम एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा ब्रेक लेके हम लॉ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में एएस घुस गए थे। अभी हम उसको थोड़ा सा क्लियर करने हम लॉ की तरफ जा रहे हैं। हम फिर वापस मुड़ के एएस की तरफ आएंगे, ठीक है। आज हम लॉ पढ़ेंगे। लॉ के अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, अगर आप कोई कंपनी के फाइनेंशियल बन रहे हैं तो उसको कोई ऑडिट करेगा, कोई चेक करेगा, तो उसके अंदर रूल्स दिए गए, सेक्शन में बताया गया कि कौन ऑडिट कर सकता है और उनके अपॉइंटमेंट रिमूवल और उनके रिलेटेड कोई पावर ड्यूटी सब कुछ बताया गया इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। कंपनी एक्ट ने लिख कर दे दिया कि भाई क्या क्या तरीके हैं, कैसे आपको अपॉइंटमेंट करना है, कैसे रिमूवल करना है। इसका आप देखो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें चैप्टर के अंदर है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसका रिमूवल रेजिग्नेशन, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी एक ऑडिटर की, उसको हम कितना पेमेंट करेंगे रेम्यूनरेशन, उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज के अंदर क्या क्या आता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सेगमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कौन सी सर्विसेज को प्रोहिबिट किया गया। अगर कोई बंदा ऑडिट सर्विस दे रहा है तो वो और कौन सी सर्विस नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा ऑडिट सर्विस दे रहा है वो अकाउंटिंग की सर्विस नहीं दे सकता। इसकी तो यही बात हो गई ना, कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई बुक्स लिख रहा है, वही ऑडिट करने आ गया, वो तो कोई गलती निकालेगा ही नहीं, ठीक है। और साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या बोला गया है, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, उसका राइट है, ड्यूटी है, क्या है, पनिशमेंट, कोई अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट तो उसके अंदर पनिशमेंट क्या है। कॉस्ट ऑडिटर के बारे में, कॉस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसके अंदर बेटा देखो कितने सेक्शन है, इसके अंदर सेक्शन है 10, 139 से 140। सर बहुत ईजी है, 10 सेक्शन है तो हम एक ही दिन में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आज हम सिर्फ दो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, 139 एंड 140, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और उसके रिमूवल की बात करेंगे। आज हम ऑर्डर का मुद्दा ही खत्म कर रहे हैं, पहले हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, या हम उसको रिमूव करने वाले हैं, हम कहते हैं ऑडिटर जा जा जा, तो उसके अंदर क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, क्या एक्ट ने बोला आपको क्या फॉलो करना है, हम ये दो चीजें पढ़ेंगे। सर बस दो ही सेक्शन? हाँ बेटा ये दो ही सेक्शन आप कर लो, काफी है आज के लिए, ठीक है। स्टार्ट करो, हम रेडी हम पढ़ने के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बात है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कौन करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमेशा कंपनी के मेंबर्स को करना चाहिए, डायरेक्टर्स को करना चाहिए। देखो सर, जो डायरेक्टर्स हैं उनका खुद का अपॉइंटमेंट अगर कंपनी के मेंबर्स ने किया है तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो मेंबर्स को ही करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है सर, मेंबर को करना चाहिए, ठीक है। मैं आपकी बात मान गया, मेंबर्स करेंगे इसके अंदर, बट कुछ कुछ केस के अंदर ये पावर बोर्ड के पास चली जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चली जाती है, ठीक है। हम पढ़ने के लिए तैयार। अभी बात आई, एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर। अभी हम इस पॉइंट एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी फॉर्म हुई, फॉर्म होती कोई मीटिंग नहीं होती, ये कंपनी के जब फाइनेंशियल्स क्लोज हो जाते हैं, उस फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने के अंदर हमें अकाउंट एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। समझ में आती है बात, हमारे फाइनेंशियल्स क्लोज हुए, आप 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग को बुला लो, अपने शेयर होल्डर्स को बुला लो अपना कच्चा चिट्ठा बताने के लिए, ठीक है। बट अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है ना, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, तो ये 6 महीने के टाइम को 9 महीने का टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि नई नई कंपनी बनी है, उनको पता वता है नहीं। अब सुनो, कंपनी फॉर्म हुई, कंपनी फॉर्म होने के कुछ टाइम बाद उसके अकाउंट्स क्लोज हो गए, जनरली 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज, इसके 9 मंथ के अंदर आप कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकते हो, डन, ठीक है। इसके बाद जब अकाउंट्स क्लोज होंगे वो फिर से 31 मार्च को होंगे, आगे सब्सिक्वेंट 31 मार्च, उसके बाद सेकेंड एनुअल जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसके अंदर 6 महीने के अंदर ही आपको एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। समझ में आती है बात? हाँ सर, हमें समझ में आती है। अब हम पढ़ते हैं, जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई उस दिन हमने कहा कि हम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं। इससे पहले की बात अभी फॉर्मेशन से लेके फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक की बात अभी हमने नहीं करी, हमने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से बात कर रहे हैं आगे की। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में हमने कहा हम किसी इंडिविजुअल या फर्म को एक ऑडिटर बनाएंगे कंपनी का। सर कोई कंपनी को हम कंपनी का ऑडिटर बना सकते हैं? नहीं, हम किसी कंपनी का ऑर्डर नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइबिलिटीज होती है ना कंपनी के अंदर तो बेटा लाइबिलिटी थोड़ी सी, मतलब बंदा छुप जाता है ना कंपनी के पीछे,
इंडिविजुअल और फर्म है वो पर्सनली लाइबल होते हैं किसी, अगर वो ऑडिट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात। इसलिए कंपनी का नाम यहाँ पे लिया है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल और एक फर्म को कहा गया कि आप ही ऑडिटर बन सकते हैं। सर ये बिग फोर तो कंपनी है। नहीं नहीं बेटा, जो जो कम जो बिग फोर ऑडिट करती है ना वो हमेशा फर्म होती है, ठीक है। आगे बताओ, अब क्या बात हुई, इन्होंने बोला कि जो ऑडिटर को हमने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन पे ऑडिटर बना दिया, ऑडिटर बना दिया, ये होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब 5 साल के समय तक हमने उसको ऑडिटर बना दिया। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन हुआ, हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, ये सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस को होल्ड करेगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग एंड द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी एट एजीएम हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। जो भी है, अब हम इसको बताते हैं कि फर्स्ट के बाद सिक्स में हुआ, इसके बाद एवरी सिक्स, मतलब हर 5-5 साल के लिए ऐसे अपॉइंटमेंट होता रहेगा, ठीक है। अब कंपनी, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स लेके आई, उस रूल्स के अंदर उन्होंने बोला, ये रूल्स क्या थे, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, उसके अंदर कुछ रूल्स बताए गए कि आपको अपॉइंटमेंट करनी है तो क्या क्या चीजें देखने, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होगा। हमें ये तो समझ में आता है कि आप फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर दोगे सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक, अब इसके रूल्स क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होगा। सुनो, मैनर एंड प्रोसीजर दिया गया। मैनर एंड प्रोसीजर के अंदर क्या, एक प्रोसीजर सुनो, कुछ कुछ कंपनी जो सबसे, मतलब जिसके अंदर स्टेक होल्डर ज्यादा है, जो बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को हमें ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, उस कंपनी के अंदर हमें ऑडिट कमेटी चाहिए होती है। सर किस कंपनी को ऑडिट कमेटी चाहिए होती है, बड़ी कंपनी को। ये बड़ी कंपनी की डेफिनेशन हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ी कंपनी मैंने आपको बोल दिया, आप इतने से ध्यान रखो, कुछ बड़ी कंपनी को ऑडिट कमेटी चाहिए होती है, हम ये बड़ी कंपनी को बाद में पढ़ेंगे। अबे आप इतना ध्यान रखो कि बड़ी कंपनी को ऑडिट कमेटी चाहिए, हाँ। जिस कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है उसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट द ऑडिटर इज ऑडिट कमेटी। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑडिटर। सर आपने ऊपर कहा था कि एजीएम जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होता है, एजीएम के अंदर तो मेंबर आते हैं। बेटा पहले हम लेख प्रस्ताव लेके जाएंगे ना, हम प्रपोज करेंगे कि हाँ ये ऑडिटर है, तभी तो वो अप्रूव करेंगे। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी बात करें कि कौन प्रपोजल लेके जाएगा। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी प्रपोजल लेके जाएगी, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजल लेके जाएगा। अभी इस हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हें क्या क्या करना है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल टेक इंटू कंसिडरेशन द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। बेटा वो जो ऑडिटर है उसके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को देख के, और एक जो अपनी कंपनी के अंदर जिसका ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है उसका साइज देख के कि हाँ ये ऑडिटर हैंडल कर पाएगा हमारी कंपनी को, उसके बारे में देखना, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, इट्स शैल हैव रिगार्ड टू, अगर अगर इस पर्टिकुलर ऑडिटर जिसकी अपॉइंटमेंट की बात चल रही है इसके अगेंस्ट अगर कोई केस वेस चल रहा है ICI के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास, या कोई और कोर्ट के अंदर कोई ऐसा केस चल रहा है, तो इसको आप ध्यान रखोगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस चीज को ध्यान रख के इसका अपॉइंटमेंट करेगी या ड्रॉप कर देगी। मतलब उस चीज को ध्यान देना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने ये चीज इग्नोर करी, इससे कोर्ट में केस चल रहा था क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आया, बट आप उसका उस जजमेंट को कि उसने ऐसा क्या काम किया कि वो कोर्ट के अंदर गया, उस चीज को आपको ध्यान रखना, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसिडरेशन लेके उसकी क्वालिफिकेशन, सेकंड उसके अगेंस्ट कोई केस वेस तो नहीं चल रहा, थर्ड पॉइंट इट में अगर उसको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऑडिटर को बोल रही है, ऑडिटर ऑडिटर आपको ऑडिटर ऑडिट करना है हमारी कंपनी का, ऑडिटर कह रहा है हाँ मैं करूँगा, मेरे को तो फीस चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा हमें ये इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में दो, आपके कितने पार्टनर्स, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, आप कब तक ऑडिट करते आ रहे हो, आपकी क्लाइंट्स के अंदर कोई बड़ा क्लाइंट है आप हैंडल कर पाओगे, हम ऐसी ऐसी चीज़ों से मांग सकते हैं, ठीक है। अभी इधर बात आई कि कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनी, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अभी हम तरीका पढ़ेंगे कि कैसे होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर बोर्ड है, पहले हम बोर्ड से स्टार्ट करें, हाँ सर आप बोर्ड से स्टार्ट कर लो। बोर्ड अगर कह रही है कि एक पर्टिकुलर बंदा एक्स ये ऑडिटर बनने के लिए लायक है, तो बोर्ड ये रिकमेंड कर देगी, रिकमेंड करने जा रही है कि इंडिविजुअल या ये वाली फर्म एज एन ऑडिटर टू द मेंबर्स एट एजीएम। अब बेटा ठीक है ना, बोर्ड चलेगा ना मेंबर के पास, हाँ ये एक्स को हम ऑडिटर बनाना चाहते हैं, ये हमारा रिकमेंडेशन है, बोर्ड लेके चलेगी,
डन, जिधर बोर्ड होता तो बात ही खत्म। अब आई बात ऑडिट कमेटी की। बेटे ऑडिट कमेटी नाम की ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी ये रिकमेंडेशन लेके मेंबर के पास नहीं जाती, ऑडिट कमेटी ये रिकमेंडेशन लेके बोर्ड के पास जाती है। बोर्ड तुम हमारी बात मान लो, मेंबर्स के पास हम नहीं जा सकते, हमारी औकात नहीं, ठीक है। द कमेटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ बोर्ड और फर्म एज एन ऑडिट टू द बोर्ड फॉर कंसल्टेशन। बेटे ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को रिकमेंड किया, मेंबर्स को नहीं, बोर्ड को। अब सुनो, बोर्ड और इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट। इफ द बोर्ड अग्री विद द रिकमेंडेशन, बोर्ड ने कहा ठीक है तुमने रिकमेंडेशन अच्छा किया, हम ये रिकमेंडेशन को लेके AGM में जा रहे हैं मेंबर्स को देने के लिए। डन, कोई कोई हम सब ठीक है, ओके। उन्होंने कहा हम ये वाला आपका जो रिकमेंडेशन हमने मान लिया, ऑडिट कमेटी हमने आपका रिकमेंडेशन मान लिया, हम AGM के अंदर ये वाला प्रस्ताव आगे रख देंगे, ठीक है। अब बात आ गई डिसएग्रीमेंट की। बोर्ड का मुंह इस तरफ, ऑडिट कमेटी का मुंह इस तरफ। इफ बोर्ड डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी इट शैल रेफर बैक, उन्होंने रेफर बैक कर दिया कि आप वापस कंसिडर करें इस बंदे का नाम, आप वापस कंसिडर करें। बेटा ठीक है, बोर्ड ने कहा ऑडिट कमेटी को आप वापस सोच ले अगर आप इसको भेजना चाहते हैं। ऑडिट कमेटी का मुंह लाल, कह रहे हम तो नहीं, हम तो अपना ही बोलेंगे, हमारा ही बनना चाहिए। ऑडिट कमेटी कह रही है बेटा देखो, अभी आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग कह रहा है कि ऑडिट कमेटी स्पेसिफिक अगर बनी है तो ऑडिट कमेटी की बननी चलनी चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा केस है, बोर्ड काम कर रही है, बोर्ड की चलेगी। इफ ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसिडरिंग द रीजन गिवन बाय द बोर्ड डिसाइड नॉट टू रिकंसिडर, ऑडिट कमेटी कह रही है हम रिकंसिडर ही करेंगे, जो हमने पहले बोल दिया हमारा वही फाइनल है, उन्होंने कहा हम रिकंसिडर नहीं कर रहे। इसके बाद द बोर्ड शैल रिकॉर्ड रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट, वो रिकॉर्ड कर लेगी भाई डिसएग्रीमेंट है विद द कमेटी एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन टू द AGM। AGM के अंदर अपना रिकमेंडेशन देगी, ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को लात मार दी। समझ में आती है बात, इधर हमेशा बोर्ड की चल रही है। बेटा ऑडिट कमेटी सिर्फ नाम की ऑडिट कमेटी है, ठीक है। सर ये कैसा लॉ है? बेटा ऐसा ही लॉ है। बी पॉइंट, बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड द कंसेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ सच अपॉइंटमेंट। अब जब हम अपॉइंटमेंट की बात जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट अगर किसी ऑडिटर के मेंबर में उससे नाम पूछोगे, एनुअल जनरल मीटिंग में एक पर्टिकुलर ऑडिटर का नाम उछला कि हमें इसको ऑडिटर बनाना है, तो उस पर्टिकुलर ऑडिटर जिसका नाम उछला उसका कंसेंट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, बिफोर अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम। सर्टिफिकेट किस चीज़ का कि आप लायक हो कि नहीं हो, इसको हम आगे और विस्तार में पढ़ेंगे। और इट दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कमीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सच शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिटर। इन्होंने क्या बोला कि आप उससे कंसेंट ले लो कि हाँ आप ऑडिटर बनना चाहते हो, और आप कंसेंट लेकर उसे एक सर्टिफिकेट भी लोगे कि ये जो ऑडिटर बन रहा है ये एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है। ई पॉइंट, द सर्टिफिकेट शैल ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141। हम 141 सेक्शन को कल पढ़ेंगे, आज हम 139 और 140 पढ़ रहे हैं। 139 सेक्शन है अपॉइंटमेंट का और 140 सेक्शन है रिमूवल ऑफ ऑडिटर का, ठीक है। 141 हम कल पढ़ेंगे, हम उसे सर्टिफिकेट लेंगे कि 141 के जो सारे क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू आ रहा है, तेरे को फी चाहिए, तुझे कंडीशन को सेटिस्फाई करके आना, ओके। कम्युनिकेशन टू ऑडिटर, अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑडिटर को। फर्दर द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ADT। बेटा ADT का मतलब ऑडिटर होता है, ADT 1 अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, तो ADT 1 से आप ध्यान रखना ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। बेटे हर जगह 30 डेज की बात आ रही थी, बट ऑडिटर के केस के अंदर ये 15 डेज है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑडिटर के देश के अंदर जो आपका कम्युनिकेशन का है रजिस्ट्रार का, वो 15 डेज रहेगा फ्रॉम द मीटिंग इन विच द ऑडिटर, ऑडिटर आज अपॉइंट हो गया, द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस। उन्होंने कहा ऑडिटर जी आप अपॉइंटमेंट हो गई आपकी, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये रजिस्ट्रार को एक फॉर्म जमा कराएगी ADT 1 कि मैंने अपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया विद इन 15 डेज, जिस एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड हुई अपॉइंटमेंट होगी, इसके 15 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को बता दो, ठीक है सर। हमें बात समझ में आती है, आपको इतनी बात समझ में आती है। अब हम 139(2) पढ़ रहे हैं कि टर्म ऑफ ऑडिटर क्या होगा, कि भाई टर्म कितने टाइम तक वो उस पर्टिकुलर चीज को हेल्ड कर सकता है या वापिस से कर सकता है, वापिस से रिपोर्ट हो सकता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है।
अभी हम पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर कितने टाइम तक होल्ड कर सकता है और एक फर्म कितने टाइम तक होल्ड कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 1392 प्रोवाइड्स दैट अ लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी कंपनी की बात करें, लिस्टेड जिसका पेपर देने आ रहा है सेबी का, उसके अंदर वो कंपनी आती है लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे या अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। अदर प्रिस्क्राइब कंपनी का मतलब है जनरली जो बड़ी कंपनी जिसमें स्टेक होल्डर ज्यादा है। शैल नॉट अपॉइंट, उन्होंने मना कर दिया कि आप अपॉइंटमेंट नहीं करोगे एन इंडिविजुअल एज एन ऑल्डर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 ईयर। सुनो, अगर किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर आप किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो तो सिर्फ एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो और 5 साल के लिए ही कर सकते हो, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर कोई फर्म है, अगर ऑडिट फर्म है तो नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। बोले तो बेटा 10 साल के लिए, 5 साल फिर 5 साल, ने बोला 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर से ऊपर से आप ऑडिट फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब रूल 5 आता है। इस रूल के अंदर बताया गया कि हमने को इन्होंने बोला कि लिस्टेड कंपनी और अदर प्रिस्क्राइब कंपनी की बात हो रही थी। अदर प्रिस्क्राइब कंपनी को इस रूल के अंदर बताया कि अदर प्रिस्क्राइब कंपनी कौन सी है। सुनो, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कंपनी दो टाइप के, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। इन्होंने बोला ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी को तो ये मानना ही है, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है हैविंग पेड अप कैपिटल एंड शेयर हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ और मोर, 10 CR एंड मोर, अगर उसका पेड अप कैपिटल है तो वो प्रिस्क्राइब कंपनी यानी बड़ी कंपनी है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है, ऊपर पब्लिक लिमिटेड थी या नीचे प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है, अगर आपकी कैपिटल कितनी है 50 करोड़ और मोर है। हाँ बेटा, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट अफेयर है ना, अगर इनकी कंपनी के अंदर 50 करोड़ से ऊपर कैपिटल है पेड अप कैपिटल, तो ये बड़ी कंपनी के अंदर आ जाएगी। तो इनको भी अपने ऑर्डर का टर्म्स को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, टर्म को डिवाइड क्यों करना है, इन कंपनी की टर्म को डिवाइड क्यों करना है। बेटा अगर 50 करोड़ की कैपिटल है तो आप समझो कितने लोगों का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी तो 200 मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर मैक्स टू मैक्स, बट इसके अंदर कितने क्रेडिटर्स होंगे, इनका बिजनेस भी तो उतना ज्यादा बड़ा होगा ना। अगर इतनी कैपिटल है तो इनका टर्नओवर एंड सब कुछ कितना ज्यादा होगा, बड़ी कंपनी है इसके अंदर कितने क्रेडिटर्स होंगे। तो उन्होंने कहा उनके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए हम ऑर्डर के टर्म को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एक ही ऑर्डर जिंदगी भर के लिए नहीं बैठा रहे, समझ में आ रही बात। हाँ, इसका थर्ड पॉइंट एक और है, अगर किसी ने लोन दे रखा है, ऑल कंपनीज, यहाँ पे कोई बात ही नहीं करी प्राइवेट या पब्लिक, अगर किसी भी कंपनी को, ऑल कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बिलो थ्रेशोल्ड, जो ऊपर कैपिटल दे रखी है 2 या 3 से नीचे भी है, बट हैविंग पब्लिक बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर से ऊपर अगर उसकी बोरोइंग है, 50 करोड़ और मोर उसकी अगर बोरिंग है, तो उसकी ऑडिटर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि काफी सारी प्राइवेट कंपनी ऐसी हैं जिनका जो पेड अप कैपिटल होती है वो बहुत कम होती है, वो रिजर्व बना बना के कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, बट उसके अंदर जो लोन्स होते हैं ना, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, वो 50 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। अगर उनके ये इतना इतना अगर उन्होंने लोन उठा लिया बैंक से, तो उनको अपने ऑडिटर को, वो एक ही ऑडिटर को जिंदगी भर नहीं चला सकते, उनको उनका टर्म फिक्स करके चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी इंडिविजुअल को करा तो 5 साल तक रख सकते हो, उसके बाद चेंज करो। अगर कोई फर्म है तो 5 5 साल 2 बार, 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक रख सकते हो, उसके बाद आप चेंज करो ऑडिटर को। ठीक है, अब हमारे को बात समझ में आती है, हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम उसको फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हो, कुछ कूलिंग पीरियड बोला गया कि आप उस समय मत रखो। कूलिंग पीरियड क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है, उसने अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट कर लिया है, वो अगले 5 साल तक कूल रहेगा। कूल है मतलब तू बेटा वापस मत आ, अभी तू हॉट नहीं है, अभी तू कूल है, यू आर नॉट नॉट एलिजिबल, अभी आप 5 साल के कूलिंग पीरियड में चल रहे हो। 5 साल का कूलिंग पीरियड है, इंडिविजुअल फर्म में अपना 5 साल कंप्लीट कर लिए, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, फिर उसके बाद उसको 5 साल के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टर्म। अगर कोई फर्म है बेटा, उसके लिए भी 5 साल है, उसने दो दो टर्म किए बट उसके लिए कूलिंग पीरियड 5 साल है। एंड इन ऑडिट फर्म विच हैज कंप्लीटेड इट्स टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सच टर्म। जब वो टर्म कंप्लीट हो उसके 5 साल तक कूल रहेगा। ठीक है, फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म। अब इधर क्या बात है, कुछ ऑडिट फर्म वाले ना ज्यादा दिमाग चलाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला
कि एक ऑडिट फर्म के अंदर दो पार्टनर कॉमन है, हो सकते हैं मैं तो तीन चार कितनी भी कंपनी के अंदर मैं पार्टनर कितनी भी फर्म्स के अंदर मैं सीए मैं पार्टनर बन जाऊं, मैं बन सकता हूं। अगर इस फर्म के अंदर और इस फर्म के अंदर सेम पार्टनर है तो हमने इन दोनों ये कहा कि आप इसको नहीं अपॉइंट कर सकते। लॉजिक समझ में आता है? हाँ। अब हम पढ़ते हैं फर्दर, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर्स और पार्टनर्स टू द अदर फर्म अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन द कंपनी इमिडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसका टेन्योर खत्म, इसके अंदर जो पार्टनर है वो इस कंपनी के अंदर भी पार्टनर है तो ये कंपनी भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है, शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। इसने उन्होंने कहा बोला कि भाई ये भी एक्सपायर ये वाली कंपनी एलिजिबल नहीं है। हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर, ये वाली फर्म के पास ऑडिट कॉमन पार्टनर था, हमने कहा तू तू ऑडिट तू मतलब एलिजिबल ही नहीं है। उन्हें बोला फर्दर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड A company immediately preceding shall be appointed as an auditor of the company. ये appointment नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती 5 साल, ये भी 5 साल के लिए cool होगी। समझ में आती है बात? ये भी 5 साल के लिए cool होगी, ठीक है। Rotation of auditor की बात आ रही है, rotation of auditor कैसे है? तो rotation of director हम पढ़कर आए पहले, ये rotation of auditor क्या है? हमने तो बोल दिया कि 5 साल के लिए appoint हो गया, फिर तो हम change कर ही रहे हैं, ये rotation का क्या मतलब है? ये specific provision था, अगर कोई audit firm को आपने अपॉइंट किया ऑडिट करने के लिए, अब उस फर्म के अंदर बड़े सारे पार्टनर्स हैं, आपके मेंबर्स कह रहे हैं कि हम जो फर्म है उसके अंदर एक पार्टनर 5 साल ऑडिट नहीं करेगा, उसके अंदर हम अलग 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 पार्टनर्स को हम कहेंगे आप ऑडिट करो। सुनो, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कोई कंपल्शन नहीं है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी मे रिजॉल्व, जो मेंबर्स है ना एजीएम पे मेंबर्स ही कह रहे हैं कि इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय देम। देखो इधर इंडिविजुअल की बात तो कर नहीं सकते, इंडिविजुअल में क्या रोटेशन होगा, इसलिए मैंने बोला इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय देम द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय द मेंबर। जैसे मेंबर ने बोल दिया कि पहले कोई और ऑडिट करेगा उस पर्टिकुलर फर्म में जो पार्टनर है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा फिर डी करेगा फिर ई करेगा, द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय, अच्छा इधर ऊपर बात होगी कि हम चेंज कर सकते हैं पार्टनर्स को, ठीक है, और नीचे क्या बात हुई कि द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, या तो मेंबर्स कह रहे हैं आप दो ऑडिटर को लेकर आओ, आप एक ऑडिटर से नहीं आप दो ऑडिटर से करो, ऐसा भी कर सकते हैं। बट जो बड़ी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, आप देखो तो दो सीए के साइन होते हैं, एक सीए का साइन नहीं होता, आप जियो की उठा के देखो उसमें दो सीए के साइन आ रहे होंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, फर्स्ट ऑडिटर की बात आ रही है, अभी जो हम बात कर रहे थे वो फर्स्ट ऑडिटर की बात, इससे पहले हमने जो बात करी ना अपॉइंटमेंट हो रहा है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे अपॉइंटमेंट हो रहा था, उससे पहले कुछ टाइम निकल चुका है जब कंपनी के अंदर कोई ऑडिटर था ही नहीं, ये वाला सेक्शन कह रहा है हम उसके अंदर ऑडिटर को लेकर आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, हमें समझ में आ गई आप क्या कह रहे हो। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 जो हमने पहले पढ़कर आए हैं उसके बाद को आप भूल जाइए, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी गई क्योंकि आप कंपनी के फॉर्म करते ही एजीएम नहीं बुलाते, आप अपने बुक्स को क्लोज करते हो उसके कुछ टाइम के बाद आप एजीएम बुलाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं उस समय तक कंपनी लावारिस नहीं रहेगी, हमें एक ऑडिटर चाहिए, तो हमने क्या पावर दी बोर्ड, आप अपॉइंट कर लो ऑडिटर। उन्होंने कहा जैसे ही कंपनी फॉर्म शैल बी अपॉइंटेड एक ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी रजिस्टर हुई, बोर्ड ने 30 डेज के अंदर अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया कि हाँ आप हमारे कंडक्ट को चेक करते रहो, ठीक है। अब ये ऑडिटर जो भी हमने इसको अपॉइंट किया, लॉजिकली फर्स्ट एजीएम में कोई और ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है जो मेंबर्स करेंगे, तो ये कब तक इस ऑफिस को हेल्ड करेगा, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। पढ़ते हैं, यही लिखा है क्या? अब हम पढ़ते हैं, द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी 30 डेज तक हमको within 30 days from the date of registration of the company, auditor appoint ho gaya, and the auditor so appointed shall hold office until the conclusion of first AGM. Baat samajh mein aati hai? Pura matlab system samajh mein aaya? First AGM ke khatam hone tak ye first auditor appoint karega, fir subsequent auditor appoint hoga, jo members appoint karenge wo first AGM ke completion se sixth AGM ke completion tak apna office ko pakad ke baithe rahega, theek hai। देखो फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आती है बात? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई विद इन 30 डेज,
विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑल्टर को अपॉइंट कर दिया। ये होल्ड ऑफिस करेगा कब तक? फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। इस फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन के बाद डायरेक्टर जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर प्रपोज करेंगे और मेंबर कहेंगे हाँ इसको ऑल्टर बनाओ, वो 6th एजीएम के होल्ड तक वो उसको ऑफिस को होल्ड करेगा। ठीक है, इफ द बोर्ड फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स पावर, बोर्ड से हो ही नहीं पाया वो 30 डेज के अंदर, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था ना 30 डेज का, रजिस्टर हुई कंपनी उसके 30 डेज के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना था, बोर्ड कर ही नहीं पाई, बोर्ड फेल हो गई, तब क्या करेंगे? कंपनी वेली बैठी रही बिना ऑडिटर के, तब उन्होंने कहा कि एक स्पेशल प्रोविजन आ रहा है कि आप वो 30 डेज जैसे ही खत्म हुए उसके 90 डेज के अंदर एक मीटिंग बुलाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसके अंदर मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे एक ऑडिटर को। इफ द बोर्ड फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स पावर दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी मे अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ठीक है, बात समझ में आती है? अब क्या हुआ, ये अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करवाया तब हमें मेंबर्स को बुलाना पड़ा रोते रोते कि हमसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने 90 डेज के अंदर, 30 डेज खत्म हुए, हमने विद इन 90 डेज हमने मेंबर्स को बोला कि हमें एक ऑडिटर अपॉइंट कर दो, ये फर्स्ट एजीएम के एंड तक ये ऑफिस को होल्ड करेगा, उसके बाद से 139(1) अप्लाई हो जाएगा जिसके अंदर 1 से 6 चलता रहता है। ठीक है, अब आई कैजुअल वैकेंसी। सर कैजुअल वैकेंसी क्या है बेटे? ऑडिटर नाराज हो गया या फिर ऑडिटर की डेथ हो गई या फिर ऑडिटर को क्या कहते हैं न्यूयॉर्क से ऑफर लेटर आ गई। ठीक है, अब क्या बात हो रही कि वो छोड़ के जाना चाहता बेटा, वो बॉन्डेड लेबर है, हम उसको ना जाने दें, हम उसको बेड़िया में ऐसे बंद करके रख ले, बेटा वो जाना चाहता तो उसको जाने दो। अब कैजुअल वैकेंसी होगी, इस कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल करना है? इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का तरीका बताया गया, क्या लॉजिकल है सुनो। कैजुअल वैकेंसी अगर ऑर्डर की होगी, इस कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड फिल कर देगा। ठीक है, उसको जाना पड़ गया, हमने विद इन 30 डेज की बात करी कि बोर्ड फिल कर देगा। ठीक है, इफ वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन, बेटा अगर रिजाइन करके जा रहा है ऑडिटर, अगर रिजाइन करके जा रहा है, रिजाइन के अंदर बेटा दया कुछ तो गड़बड़ है, अगर वो रिजाइन कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, अगर रिजाइन कर रहा है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया गया या फिर उसको कुछ ऐसे चोरी पता चल गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वो रिजाइन करके मेरे को जान दो। अब सुनो, अगर इफ द वैकेंसी इज कॉज बाय रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड, जो अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड, अपॉइंटमेंट जो 30 डेज के अंदर नया अपॉइंटमेंट किया ना ऑडिटर का, दैट शैल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट जनरल मीटिंग कन्वीन्ड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। जैसे ही कैजुअल वैकेंसी को फिल किया गया रेजिग्नेशन के केस के अंदर, और किसी केस के अंदर नहीं, रेजिग्नेशन अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है ना ऑडिटर की, तो विद इन 30 डेज बोर्ड अपने आप नया ऑडिटर अपॉइंट कर देगा, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, जनरल मीटिंग में जाते। बट अगर रेजिग्नेशन है तो आपको बोर्ड के पास जाके, बोर्ड ने अगर वैकेंसी फिल कर दी रेजिग्नेशन के ऊपर, तो आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आप जनरल मीटिंग बुलाओगे और आप उसके नाम को अप्रूवल करोगे। समझ में आती है बात? हाँ, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ, ये कैजुअल वैकेंसी अगर हुई है तो उसके अंदर जिसका अपॉइंटमेंट हुआ बीच में हुआ ना, बीच में हुआ तो वो नेक्स्ट एजीएम तक के ऑफिस को ही होल्ड करेगा, उसके बाद मेंबर्स स्टेप इन करेंगे कि हमें क्या करना है, नया ऑर्डर चाहिए, बढ़ाना है, क्या करना है, उसका ऑफिस नेक्स्ट एजीएम तक ही है। ठीक है, अभी हम नॉर्मल बातें कर रहे थे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। आपको पता है CAG के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पता है? हाँ हमें पता है। अच्छा बेटा, मैं वैसे ही एक जनरल बात बता रहा हूँ, CAG अभी जो है ना जीसी मुर्मू साहब, अभी इनके आते ही इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स बताई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ गलतियाँ करी है। ठीक है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकाली है ना, अब थोड़ी सी CAG के अंदर जान पहचान है क्योंकि हम ऑडिट का काम करते हैं। तो क्या था, इससे पहले जो हमारे राजीव जी थे और CAG, वो ये रिपोर्ट्स को ना साइन नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा गवर्नमेंट के अगेंस्ट था तो उनको शायद थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं क्या लग रहा था, वो साइन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बाहर नहीं आ रहे थे। अभी इधर से JNK के गवर्नर को चेंज करके यहाँ पे लाया गया, जो GC मुर्मू साहब JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो अब CAG बन गया, GC मुर्मू साहब। ठीक है, उनके आते ही उन्होंने धड़ाधड़ रिपोर्टें निकालना स्टार्ट कर दी। ये एक वैसे एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रहेगा, GK के अंदर भी आपके काम आ जाएगा। ठीक है सर, हम लॉ पढ़ने हैं, हम GK पढ़ने नहीं है। ठीक है बेटा सॉरी, अब हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि अपॉइंटमेंट की बात करें हम ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। इसके अंदर CAG एक
कॉम्पटोलर ऑडिटर जनरल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ को बनाया गया है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट कंपनी है उसको ऑडिटर CAG, उसके अकाउंट्स को चेक करना CAG का काम है, ठीक है। अब CAG चेक करेगा हमें बात आके, तो ये अपॉइंटमेंट के रिलेटेड बात सारे CAG के पास जानी चाहिए। हाँ सर, ये तो सारी बात CAG के पास जाएगी। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय CAG इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर एक CAG अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, ठीक है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कम, क्योंकि बेटा बड़ी सारी कंपनीज है तो इनको टाइम दिया गया। फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ जनरली 1 अप्रैल को, एक फाइनेंशियल ईयर कमेंस होता है, इसके 180 डेज के अंदर अंदर आपको एक ऑर्डर को अपॉइंट करना है किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। बेटा CAG के अंदर हम सारे CA जाके ना एम्पैनल हो जाते हैं कि हम ऑडिट करेंगे, हम ऑडिट करेंगे, हमें फीस चाहिए, सुन रहे हो। अब ये हम में से एक किसी ने उसको है ना गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर बना देती है, किसी गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी क्या है सर बेटे, किस जिस जिसके अंदर भी गवर्नमेंट ने 51, नॉट 50, नॉट 50 से ज़्यादा, 51 या उससे ज़्यादा परसेंट शेयर होल्ड कर रखा है ना गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी ने, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, किसी गवर्नमेंट कंपनी का और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। ज़्यादा 3-4 स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके अंदर लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए CAG कह रहा हम ऑडिट कराएंगे, हम मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करते, ठीक है। तो CAG ने बोला कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, इसके 180 डेज के अंदर हम एक क्या कहते हैं ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। वो कब तक हेल्ड करेगा ऑफिस को, इसमें 5 साल की बात है ही नहीं, इसने कहा अगला AGM खत्म, ऑडिटर बाहर, अगला AGM खत्म, जो नया नेक्स्ट AGM हुई उस दिन तक ही आप हेल्ड करोगे, उसके बाद हम देखेंगे आपको बनाने नहीं बनाना। अब सुनो, फर्स्ट ऑर्डर की बात है, इस फर्स्ट ऑर्डर में हम बोर्ड को राइट देंगे, कंपनी फॉर्म हो रही, गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म हो रही है, बट इधर तो CAG है, इधर बोर्ड का क्या लेना देना। सुनो, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओनर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। CAG को अपॉइंट करना, जनरली इनको थोड़ा टाइम ज्यादा देते हैं, तो हमने क्या बोला, कंपनी फॉर्म हुई है इसके 60 दिन के अंदर, पहले वाली कंपनी को जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी उनको 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट करनी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, बट इस केस के अंदर CAG अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है तो उसको 60 डेज रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर अपॉइंट करना है। बट इधर बात भी थोड़ी सी घूमी, CAG अपॉइंट नहीं कर पाया, बहुत बिजी था, CAG अपॉइंट नहीं कर पाया। इन केस द CAG डज नॉट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, इसके अंदर बोर्ड के पास पावर चलेगी, बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंट कर देगा ऑडिटर को। अगर CAG नहीं कर पाया तब बोर्ड के पास ही पावर है, बात समझ में आती है। अब बोर्ड भी नहीं कर पाए, बेटे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट आपको पढ़नी पड़ेगी, फर्दर इन केस बोर्ड भी फेल हो गया अपॉइंट करने के लिए, फिर हम मेंबर्स को बोलेंगे, मेंबर्स आप ही बचे हो, हमने गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, अब जिसका पैसा लगा है एक्चुअल के अंदर, मेंबर्स आप आ जाओ। मेंबर्स के अंदर बेटे गवर्नमेंट के कुछ लोग भी आएंगे और कुछ बाहर का पैसा होगा वो भी आएंगे। अब विद इन 60 डेज आपको कोई ना कोई हमें अपॉइंट करके दे दो, बात समझ में आती है। पहले 60 डेज का टाइम दिया गया CAG को कि आप अपॉइंट कर दो, ये नहीं कर पाए, फिर 30 डेज का टाइम दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आप अपॉइंट कर दो, ये भी नहीं कर पाए, फिर हमें बुलाएंगे किसको, मेंबर्स को, मेंबर्स हम EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला रहे हैं, आप इसके अंदर प्लीज हमारे ऑडिटर को अपॉइंट कर दो, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर वैकेंसीज आ रही है, इस वैकेंसी को कौन फिल करेगा, बेटा CAG स्पेसिफिक काम उसका यही है, उसका काम ही यही है, इधर CAG आ गया। इन केस ऑफ कंपनी हूज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू बी ऑडिटेड बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CAG, जहां पे CAG आ गया, कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर शैल बी फिल्ड बाय CAG, इधर CAG ही फिल करेगा 30 डेज के अंदर, ठीक है। 30 डेज के अंदर कैजुअल वैकेंसी को CAG फिल करेगा, बट इधर भी CAG फिल नहीं कर पाया, तो हमने कहा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देगा, इधर लॉस साइलेंट हो गया। अगर इस 30 डेज के अंदर हमारे CAG के बाद CAG ने तो फिल करी नहीं, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फिल नहीं कर पाया, इसके बाद लॉ ने कुछ नहीं बोला, इसके बाद लॉ ने कुछ बोला ही नहीं। लॉजिकली अगर जो सेंस का अगर ऐसे एक्चुअल लाइफ के अंदर हुआ होगा तो उसके अंदर EGM बुलाई गई होगी, अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस के बारे में बात करोगे तो इसके अंदर लिखा नहीं हुआ बट बुलाई गई होगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब आगे की बात बताओ, हमें समझ में आ गई इतनी बात। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर,
ऑडिटर को हमने रिटायर कर दिया, हम उसको रीअपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एजीएम इफ ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। हाँ भाई, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। डिस्क्वालीफाइड के अंदर काफ़ी सारी डिस्क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे अपना अनविलिंगनेस कि मेरे को बनना ही नहीं, मेरे को बनना ही नहीं, अगर वो मना कर देगा तो हम उसको नहीं बना सकते ना। और अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास एट द मीटिंग अपॉइंटमेंट अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड। जो जो मेंबर्स है ना, वो इतना गुस्सा हो गया ऑडिटर से, उन्होंने एक स्पेशल नोटिस दे के एजीएम से पहले स्पेशल नोटिस दिया और मेंबर्स ने बोला कि हमें इस ऑडिटर जो अभी ऑडिटर लगा हुआ है, हमें इसको ऑडिटर नहीं रखना, इसको तो निकालो तुम, ये तो ऑडिटर नाम लगाने के लायक ही नहीं। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और स्पेशल रेजोल्यूशन में बोला गया कि किसी और ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए या बताया गया कि इसको तो अपॉइंट ना ही किया जाए। देखो, अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट द मीटिंग अपॉइंटिंग सम ऑडिटर। उस रिटायरिंग ऑडिटर को हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, मतलब उस रिटायरिंग ऑडिटर को हम अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते जिसके अगेंस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, मेंबर्स ने मना कर दिया, ठीक है। बी पॉइंट, वेयर एट एन अच्छा, मैं आपको बात एक क्लियर कर रहा हूँ कि जब हमें पहले उसको अपॉइंट किया, हमने उसको 5 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किया था, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक, बीच में मेंबर्स कह रहे हैं इसको निकालो, ये उसके बारे में बात चल रही है, उसको हम रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक बात बताई गई, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया कि इसको अपॉइंट नहीं करना। अगर बेटा फर्म है, वो 2 टर्म तक कर सकती है ना, 1 टर्म उसका कंप्लीट और दूसरे टर्म के अंदर उन्होंने मना कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, इसको मैं पास नहीं, इसको मैं ऑर्डर बनाना ही नहीं। अब इसका बी पॉइंट पढ़ते हैं, वेयर एट एनी एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अगर कोई एजीएम कंक्लूड एजीएम हो गए, उस एजीएम के अंदर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाया, तो हम कंपनी को ऐसे छोड़ नहीं सकते कि हाँ कंपनी बिना ऑडिटर के चल लेगी, ऑडिटर होना जरूरी है। अगर किसी कंपनी के एजीएम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, तो जब तक ये एजीएम हो नहीं जाती तब तक ये ऑडिटर कंटिन्यू करेगा, आप समझो बात। वेयर एट एन एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट, एजीएम होगी, कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं गया, ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं गया, तब ये होल्ड करने लग जाएगा ऑफिस को, तब ये कहेगा नहीं अभी मेरा टेन्योर चलता रहेगा जब तक कोई और ऑडिटर नहीं आ सकता, ठीक है। ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 ऑल अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन रिकमेंडेशन। हम ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन कौन लेंगे, बोर्ड लेंगे, बोर्ड लेके फिर आगे बात करेंगे। ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, उसकी बात मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट का सेक्शन आपको क्लियर है, हम फटाफट एक बार इसको घुमा कर देख ले, हाँ सर दिखा दो। इतना बड़ा सेक्शन है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, हम एक जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब खत्म हुई, हमने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, 6th एनुअल जनरल मीटिंग में होल्ड करेगा, ऑडिट कमेटी के बारे में बात है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आई, बोर्ड की चलेगी अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, हाँ हमें समझ में आता है, मैनर क्या है कि हमें कैसे एक पर्टिकुलर ऑडिटर को कैसे हमें उसको सिलेक्शन करना है, उसका टर्म क्या होगा, टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंडिविजुअल है 5 साल का टर्म, अगर फर्म है तो दो टर्म 5-5 साल के, कूलिंग पीरियड क्या होगा, अच्छा एक सब्सटैंशियली इंपॉर्टेंट कंपनी क्या है, ये टर्म की बात पब्लिक कंपनी में आई, और किस कंपनी में आई, जो थोड़ी प्रिस्क्राइब कंपनी, जो बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी क्या, जो पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पे तो लग गया टर्म, अनलिस्टेड है तो उसके 10 करोड़ से ऊपर पेड ऑफ कैपिटल, या प्राइवेट कंपनी है तो 50 करोड़ से ऊपर पेड ऑफ कैपिटल, अगर ये दोनों ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, बट उसने लोन 50 करोड़ से ऊपर का ले रखा है तो भी वो प्रिस्क्राइब कंपनी है। उसके बाद ये टर्म वाला जिस पर सेक्शन लग गया, उसके लिए कूलिंग पीरियड क्या है, कूलिंग पीरियड क्या, अगर इंडिविजुअल है 5 साल का, फर्म है तो भी 5 साल का, ठीक है। आगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अगर कोई फर्म को अपॉइंट किया उसके अंदर अगर वेरियस पार्टनर है तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, या हम एक ऑडिटर की जगह हम 2 ऑडिटर से ऑडिट करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर की बात है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटिव, इनकॉर्पोरेट से हम एक ऑडिटर को रखना है, हमने क्या बोला, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटिव विद इन 30 डेज बोर्ड अपॉइंट कर देगी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ये बोर्ड को अपॉइंट कर देगी 30 डेज के अंदर, अगर ये बोर्ड नहीं कर सकती तब हम एजीएम बुलाएंगे और एजीएम के अंदर हम उसको हम कहेंगे कि हाँ अगर ये बोर्ड फेल हो गया अपॉइंट करने के लिए, फिर हमने एजीएम, हमने ईजीएम बुलाई, सॉरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग 90 डेज के अंदर, 30 डेज का टाइम था, फिर हमने 90 डेज के अंदर ईजीएम बुलाई और हमने कहा ऑडिटर को अपॉइंट कर दो, बोर्ड नहीं कर पा रहे, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट,
ठीक है, कोई कैजुअल वैकेंसी होगी, कैजुअल वैकेंसी अगर होगी तो बोर्ड बोर्ड फिल कर देगा, बट वो कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के ऊपर है, ठीक है। दया दया ने कुछ गड़बड़ है, रिजाइन करके जा रहा है, अगर वो रिजाइन करके जा रहा है तो हमें जो बोर्ड ने अपॉइंट किया उसको उसको आपको बताना पड़ेगा जीम के अंदर, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। जनरल मीटिंग होगी विद इन 3 मंथ्स, जब आपने वैकेंसी फिल कर दी रेजिग्नेशन के बाद, तो आपको 3 मंथ्स के अंदर उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑर्डर अपॉइंट हुआ वो नेक्स्ट एग्जाम तक होल्ड करेगा, कैजुअल वैकेंसी अगर हुई है। बात है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सीएजी अपॉइंट करते हैं 180 डेज के अंदर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से, गवर्नमेंट कंपनी का उसके बारे में बात कर ली, ये कब तक होल्ड करेगा, नेक्स्ट एग्जाम तक। हर साल नया ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है बेटा इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करा, सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज फर्स्ट अगर ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, अगर सीएजी नहीं कर पा रहा तो विद इन 30 डेज बोर्ड करेगा, अगर बोर्ड नहीं कर पा रहे तो फिर हम ईजीएम बुलाएंगे विद इन 60 डेज मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे। कैजुअल वैकेंसी अगर होगी तो सीएजी अपॉइंट करेगा, सीएजी कब तक अपॉइंट करेगा, 30 डेज के अंदर, अगर सीएजी नहीं कर पा रहा तो बोर्ड करेगी 30 डेज के अंदर, इसके आगे लॉ साइलेंट है। अब हम बात करें रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहा है उसका रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसने खुद मनाना कर दिया हो, या तो उसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास हो, अगर हो गया है तो उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया किसको अपॉइंट नहीं करना या किसी और को अपॉइंट करना, ठीक है। बट एक कंडीशन आएगी, अगर एजीएम के अंदर कोई भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया गया, वो जो ऑडिटर पहले से चलता आ रहा है वो अपने ऑफिस को हेल्ड करना कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिमूवल की, अब हम रिमूवल की बात पर आ गए कि हमें किसी ऑडिटर को रिमूव करना, ठीक है बेटा। रिमूव करने वाला सेक्शन आई गेस हमें कल करना चाहिए, आज हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये एक सेक्शन सर कम हुआ है, बट मेरे को लग रहा है ये एक सेक्शन आपके लिए बहुत है, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये सेक्शन ढंग से कर लो क्या पता इसी में से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज हम लेक्चर को ये कंप्लीट करके आगे वाला कल स्टार्ट करें, क्या आप मेरे को अनुमति देते हो? हाँ सर हम आपको अनुमति देते हैं, ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही, प्लीज़ इस सेक्शन को आप रिवाइज करें और मेरे को डाउट है तो टेलीग्राम चैनल में आप मुझसे पूछें, बाय बाय।